सो जैसा कि आप लोग को पता है, लास्ट मंडे और उसके पिछले फ्राइडे को वीडियो नहीं आ पाई थी। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं बिज़ी हो गया था, तो बहुत गलत सोच रहे हो। मैं निकल गया था घूमने फिरने घर वालों के साथ, ये उसी का व्लॉग है, क्योंकि मेरे पास कंटेंट कुछ था नहीं और मैंने बनाया व्लॉग और एडिट किया और डाल दिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सो हेलो जी, क्या चल। मैं आशीष, स्वागत करता हूँ आप लोग का मेरे पहले व्लॉग के अंदर। तो ये दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग, और बेसिकली हम लोग निकल रहे हैं चित्रकूट के लिए, और ये काफ़ी पुराना व्लॉग है एंड ये काफ़ी बिजी शेड्यूल्ड कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि नहीं, हम लोग ने 2 दिन के अंदर ख़त्म किया और दोनों दिन के अंदर ही हम लोग ने चारों धाम भी किए और फिर उसके बाद परिक्रमा भी लगाए और भी बहुत कुछ है। तो व्लॉग में कंटिन्यू रहिए, मज़ा आएगा। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है ने गोरी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। मेरे रांझना बता दे ना, बता दे ना। एंड देन फिर हम लोग ने लिया अपना पहला स्टॉपेज, आई थिंक कि मऊ था या जो भी रहा हो, लेकिन इतना कन्फर्म राजापुर से पहले हम लोग रुके थे, फर्स्ट स्टॉप लिए थे यहाँ पे, हम लोग ने चाय नाश्ता किया, फिर उसके बाद सीधा हम लोग धैर्यपड़ खींचे और सीधा चित्रकूट का स्टॉपेज लिया हम लोग। एंड नाउ वी एंटर्ड इन चित्रकूट, और बेसिकली जैसे ही आप चित्रकूट में एंटर करते हैं आपको रोड काफ़ी अच्छी दिख जाती है, और स्पेशली मतलब रामघाट तक आपको एक भी ब्रेकर नहीं दिखता, एकदम मस्त रोड है। एंड देन हम लोग जल्दी से फ्रेशअप हुए और फिर उसके बाद ये रहा मेरा उस दिन का आउटफिट, और अब हम लोग जा रहे हैं चारों धाम पर। और उसी के साथ साथ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और गर्मी तो वहाँ शायद से रहती हो, क्योंकि वो भगवान श्री राम का तपोभूमि कहा जाता है, तो वहाँ पे गर्मी आई थिंक रहती होगी ज़्यादा। और ये है रामघाट, मतलब जब आप जाते हो तो ये लेफ्ट साइड पड़ता है और यही यूपी का बॉर्डर रहता है, और अगर आप इसी से राइट साइड घूम जाएंगे जो अभी आप नेक्स्ट क्लिप देख रहे हैं, हाँ, तो ये लग जाता है आपका एमपी, मतलब यूपी और एमपी में कब आप एंटर कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और अब हम लोग बैठ गए ऑटो में और आगे की जर्नी अब इस पे कंटिन्यू होगी। आरे 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार, ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहां या ना, अरे बोलो ना। सो नाउ वी आर एट आर फर्स्ट स्टॉप, और यहाँ आप देखो चार मेन स्टॉप रहेंगे, वही चार धाम जो, और पहला है जानकी कुंड, यहाँ पे आई थिंक सीता जी आकर नहाई हैं, हाँ जानकी कुंड का तो यही मतलब है, जानकी जी का कुंड। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और ये रहा जानकी कुंड, बस यहाँ इतना ही था, मतलब यहाँ सीता जी का चरण और कुंड उनका बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे, और आगे साइड थोड़ा सा मछलियाँ थी और हमने जूम इन करके ट्राई किया। सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, अब और अब हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन, और वो है गुप्त गोदावरी। एंड मैं रास्ता बहुत कम दिखाऊं क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा बन जाएगा वरना, हाँ। तो अब हम लोग आ गए हैं गुप्त गोदावरी, और यहाँ पे एंटर करने के लिए आपको 20-20 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है। इन शॉर्ट यहाँ पे ये रहता है कि आप 20 रुपये लीजिए और उसी समय तुरंत फाड़ दीजिए, क्योंकि जैसे ही टिकट लेते हैं 2 कदम दूरी पे आपका टिकट चेकिंग होती है और तुरंत फट जाती है, मतलब मैं व्लॉग के लिए दिखा भी नहीं पाया, उसी से पहले हमारी टिकट फाड़ दी गई। सो मंदिर में जाने का ये रास्ता है, और उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और बेसिकली यहाँ 2 गुफा रहती हैं, एक प्रथम और एक द्वितीय, प्रथम वाली सूखी रहती है और द्वितीय वाली में तो पानी रहता है। जाने दे जो भी भीड़, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन और अब हम लोग पहाड़ के अंदर एंटर हो चुके हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और ये रही प्रथम गुफा की, प्रभु श्री राम की मंदिर।
और फिर थोड़ा सा आगे चलते ही हम लोग को देखते हैं खटखटा छोर। खटखटा छोर की कहानी ये है कि इन्होंने माता सीता के कपड़े छुड़ाए और उसी समय प्रभु श्री राम ने इस पे तीर मार दी और ये आज तक वहीं टंगे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए सेकंड गुफा में। जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पानी मिलेगा और यहाँ पे हमने ज़्यादा शूट किया नहीं क्योंकि वहाँ चलते भी नहीं बन रहा था और प्लस वहाँ पे साफ मना था शूटिंग। और ये रही तीसरी मंदिर यानी कि तीसरा धाम और ये है सती अनसुई जी की मंदिर। यहाँ पे माता ने भगवानों को बच्चा बना दिया था और यहाँ पे भी वही सेम था कि आप अंदर शूट नहीं कर सकते हैं, बट हमने ट्राई किया था तो पीछे से पंडित जी लोग कहने लगे। और फिर हम लोग आ गए चौथी और लास्ट धाम जो था स्फटिक शिला। और आए रे मन हसाए मितवा और सारी उमर ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना। और फिर हम लोग आ गए कामतानाथ मंदिर और ये सबसे ज़्यादा मेन रहता है क्योंकि यहीं पे भगवान श्री राम ने अपने 12.5 साल बिताए थे और इसी की पहाड़ की परिक्रमा आपको लगानी रहती है जो कि रहती है टोटल 5 किलोमीटर्स की। तो स्टार्ट करते हैं। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जग ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हसाए मितवा और सारी उमर ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं क्योंकि बारिश तो आनी है ना। मेरे रांझना बता दे ना। और फिर जब भी आप लोग को इस तरह का ग्रीन बोर्ड दिखाई दे तो समझ जाइए आपने कुछ किलोमीटर्स कंप्लीट किए। जैसे कि यहाँ पे तृतीय लिखा है तो इसका मतलब हम लोगों ने 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। और फिर हम लोग गए सीधा राम घाट और राम घाट में रात को काफ़ी अच्छा लगता है, नाइट व्यू इसका काफ़ी अच्छा है तो ये भी चेक करें आप। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार, ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहां या ना, अरे बोलो ना। सूरज की किरणे आने दे मेरे। सो अब हम लोग आ गए हैं हनुमान धारा और ये जो आप ऊपर वाइट कलर की मंदिर देख रहे हैं जो हम जूम इन करके दिखा रहे हैं, हम लोग को वहीं जाना है। और हनुमान धारा में टोटल 800 या 900 सीढ़ियां हैं जो अभी चढ़ना पड़ेगा तो चलिए चलते हैं। अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जग ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हसाए मितवा और सारी उमर ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल भर। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 400 या 500 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आती हैं, बट ये नहीं रहता हनुमान धारा। हनुमान धारा इस मंदिर के ऑलमोस्ट 100 सीढ़ियां और चढ़नी पड़ती तब आती है। और अब जाके करीबन 700 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग पहुँचे थे हनुमान धारा मंदिर। और हनुमान धारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री राम ने बाण मारा था और फिर उसके बाद वह यहाँ से पानी निकलने लग गया था। वो पानी कहाँ से निकल रहा है आज तक कोई नहीं पहचान पाया।
और ऑलमोस्ट 100 सीढ़ियाँ और चढ़ते हैं तो फिर इसके ऊपर रहती है सीता जी की रसोई। और अब हम लोग आ गए सीता जी रसोई प्रवेश द्वार पे, और ये बहुत ही पतली सी और छोटी सी मंदिर, और यहाँ रिकॉर्डिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, बट जैसे तैसे करके किया गया रिकॉर्ड। और ये रहा मेन एंट्रेंस अंदर का किस तरह का है, और ये सीता जी की मंदिर, और बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है ये हम लोग का आज का व्लॉग। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ़ यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और एक घंटे का व्लॉग 10 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मतलब हालत ख़राब हो गई, 2 दिन लग गए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, बी सेफ एंड कीप ठगिंग।